कुमारस्वामी सरकार को समर्थन देवे बोली संकेत देवार दिनक परे विद्रोही कांग्रेस विधायक एमटीबी नागराज यूटर्न करिछन्ते। इस्तफा प्रत्याहार करिवे नाही बोली से कहिछन्ते। नागराज वर्तमान मुंबई चले जाइछन्ते। मुंबई रे ही कांग्रेस जेडीएस रा अन्य विद्रोही विधायक माने रहुछन्ते। मेंटो नेता माने नागराज को मनाइबा को उद्यम करी विफल होइछन्ते। कुमारस्वामी सरकार को बंचाइबा पई कांग्रेस जेडीएस मेंटर नेता माने शनिवार दिन नागराज सहित विचार विमर्श करिथिले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार सहित आलोचना पर इस्तफा ने पुनर्विचार करने को संकेत देते नागराज। इस्तफा देता अन्य जने सहयोगी सुधाकर सहित आलोचना पर से इस्तफा प्रत्याहार नहीं चूड़ा निष्पत्ति ने नागराज कही। कि नागराज पुणी विद्रोही विधायकों शिविर में जोगदेते सेपटे कांग्रेस आड़ विपद या दर्शाई 14 विद्रोही विधायक मैंने मुंबई पुलिस निकटू सुरक्षा दावी करते। कर्णाटक में राजनैतिक संकट जारी रही बेले बीजेपी राज्य सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कहते जे आज आस्था भोट प्रस्ताव आगतपी तक दल गुरुत्व देवे। बेंगलुरु सांबादिक सहित आलोचना बेले से कहते आज कार्य परामर्शदाता कमिटी बैठक समय मुख्यमंत्री एस डी कुमारस्वामी संख्यागरिष्ठतार प्रमाण देवा आस्था भोट लोड़ा दल कह। परवर्ती खबर को आसवा आसाम रे बन्या परिस्थिति अणायत। तो सारा राज्यर 25 जिलार 2200 रु अधिक गाँव में भयंकर बन्या विपात। चलित वर्ष ऋतु राज्य में द्वितीय बन्या परिस्थिति ए 25 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होती। वर्तमान सुधा 9 जन प्राण हर सारे। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र जलस्तर बढ़िवार लगी। जदि वर्षा जारी रहे तेरे यह शीघ्र विपद संकेत प्रभावित होपरी हेले सहरर फैंसी बजार भरालो पुन बजार अंचल विपदपूर्ण रहिबो। गत 15 वर्ष भितर ब्रह्मपुत्र केबे मध्य गुवाहाटी रे कूल लंघी नथिला एवं 2004 रे एसब अंचल रे ब्रह्मपुत्र रा पानी पसीथिला। आसाम के बाढ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भयंकर से भयंकर रूप धारण कर रही है। अभी तक आसाम के प्राय 28 जिले में बाढ़ की काल रूप धारण कर चुका है और अभी देखा जा रहा है कि प्राय 28 जिले के जितने भी लोग हैं वो लोग अभी ऊंचे ऊंचे जगहों पे वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी जो डेंजर लेवल है वो डेंजर लेवल से तकरीबन 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के ऊपर पानी बह रहा है। क्योंकि अभी अगर हम लोग डेंजर लेवल देखें तो डेंजर लेवल है 69 मीटर 68 सेंटीमीटर पे डेंजर लेवल है, लेकिन अभी जो पानी बह रहा है वो है 50 मीटर और 76 सेंटीमीटर पे पानी बह रहा है। यानी कि देखा जाए तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर के ऊपर पानी डेंजर लेवल से बढ़ रहा है और अगर इसी तरह से बहता रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द बहुत सारे और जिलों पे भी पानी भर जाने की संभावना है। मैं उपस्थित हूँ गुवाहाटी महानगर में और गुवाहाटी महानगर की अगर मैं दिखाऊँ तो मैं एक उद्यान पे उपस्थित हूँ जिस उद्यान की नाम है आजान पीर उद्यान। और इसी उद्यान पे शुक्रवार तक यहाँ पे बर्थडे पार्टी विभिन्न अनुष्ठान यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अभी इस उद्यान पूरी तरह से पानी के अंदर है। जो उद्यान के जहाँ पे पार्टी होती है वहाँ उस जगह को अभी कैमरा पर्सन अनूप दिखाएंगे। इसी जगह पे शुक्रवार से पानी बढ़ना शुरू किया और अभी तकरीबन पूरी जो उद्यान है वो उद्यान पानी के नीचे चल गया है, पानी के नीचे बह रहा है। और यहाँ पे जो पार्किंग प्लेस था वो पार्किंग प्लेस में भी पूरी पानी भर चुका है। और देखा जाए तो आसाम के जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जिले में अभी भी बारिश हो रहा है और अपर असम में भी अभी भी बारिश हो रहा है। अगर इस तरह से अगर बारिश होते रहे तो निश्चित रूप से और भी पानी की लेवल बढ़ना पूरा संभव है, क्योंकि अभी हर एक घंटे में 22 से 25 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल बढ़ रहा है और इसी तरह से बढ़ता रहे तो
जो गुवाहाटी महानगर के नदी के पास जो जगह है वो उस वहाँ पे मास्कवा आता है, फांसी बाजार आता है, फिर कासारी घाट आता है, इन जगहों पे भी पानी भरने की पूरी संभावना है। यहाँ के जो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के घर में भी पानी ढुकना बहुत ही संभव है, क्योंकि अगर इस लेवल पे बढ़ता रहे तो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अभी अगर कैमरा पर्सन अनूप दिखाए वो ही रास्ता है जिस रास्ते से मास्कवा से कासारी होके मास्कवा से फांसी बाजार होके कासारी जाते हैं, उस रास्ते से पानी का लेवल बहुत ही कम दूरी पे है। और इसी अगर ये दूरी अगर इस लेवल से अगर बढ़ जाए पानी, तो निश्चित रूप से वो जो रास्ते है उस रास्ते के ऊपर से पानी बहना शुरू करेगा, और पानी अगर इस रास्ते से ऊपर बहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के घरों में भी पानी भर जाएगा। और ये अगर मैं दिखाऊं तो साइड में ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहुत ही बढ़ चुका है क्योंकि इतने ऊपर से बह रहा है। अभी मैंने बताया कि डेंजर लेवल जो है वो डेंजर लेवल तक पहुंचता नहीं है पानी, लेकिन डेंजर लेवल 49 मीटर 86 सेंटीमीटर पे डेंजर लेवल है, और इस लेवल से अभी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के ऊपर से बह रहा है, यानी कि बहुत ही लेवल अभी पानी का जो लेवल है वो पानी का लेवल बढ़ चुका है। और इसी तरह बहुत सारे जगहों पे अभी घर पानी में बह चुका है, बहुत सारे कृषि भूमि पानी के वजह से वो खराब हो चुका है। इसी तरह आसाम के अभी तक 28 जिले में बाढ़ का काल रूप रह चुका है, और इसी तरह अगर बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द और भी भयंकर से भयंकर होने की संभावना है। ଏପଟେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। ଏଯାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 29 ଜଣ ଲୋକ। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରରିଆ, କିଶନଗଞ୍ଜ, ସୋପୁଲ, ଦରଭଙ୍ଗା, ଶିବହର, ସୀତାମଢ଼ି, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣ, ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା। ମୋତିହାରିରେ ସର୍ବାଧିକ 10 ଜଣ ଏବଂ ଅରରିଆରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୀତାମଢ଼ିରେ 4 ଏବଂ କିଶନଗଞ୍ଜରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ବନ୍ୟା। ସେପଟେ ନେପାଳରେ ଲଗାତାର ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ବହୁ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ନେପାଳର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।